फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं हिना आपके साथ और आज एक बार फिर हम आपके सामने बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आए हैं ये मुद्दा कोई और नहीं बल्कि फिर वही हम लोग जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है अर्णब गोस्वामी का मुद्दा जी हाँ अर्णब गोस्वामी की जो चैट पार्थोदास गुप्ता बार्क के जो पूर्व सीओ सीई रहे हैं उनकी चैट को लेकर हम बात कर रहे हैं आज और जिस तरह से आप जानते हैं कि अर्णब गोस्वामी लगातार इस बात पर सफाई दे रहे हैं कि अः जो उनपे इल्जाम लगाए गए हैं चाहे वो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हों या बाकी और दूसरे लोग जो है उनकी तरफ से लगाए गए हों लेकिन अभी भी कई सारी बातें ऐसी रह गई हैं कई सारे सवाल अभी भी ऐसे रह गए हैं जिनका जवाब उन्हें देना बेहद जरूरी है क्योंकि अब ये सिर्फ मामला जो है वो विपक्ष तक सीमित नहीं है अब देश की सुरक्षा को लेकर सामने सवाल जो खड़े हो गए हैं हमारे पास कुछ सवाल है अर्णब गोस्वामी जी के लिए हम चाहते हैं कि अर्णब गोस्वामी उन सभी सवालों का जवाब दें हमारा सबसे पहला सवाल अर्णब गोस्वामी से है कि आपकी चैट में बार बार एन एम और ए एस का जिक्र हुआ है आखिर ये एनएम और ए एस कौन है आप हमें इसके बारे में बताइए पाकिस्तान को आपने जवाब दिया है आपने सफाई दी है ऑफिशियली आपने स्टेटमेंट निकाला है आप लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं देश को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कोई आपने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट देश को देने के लिए क्यों नहीं निकाला है क्या आप देश को इतना सक्षम नहीं समझते हैं कि आप उनको जवाब देना ठीक समझे हमारा को, आप पर इतना भरोसा क्यों था क्यों वो बार बार आपसे पीएमओ पर पीएमओ को लेकर आपसे मदद मांग रहे थे या बाकी और मदद की आपसे गुहार लगा रहे थे और क्या पीएमओ से इनके आपने कोई काम कराए थे पार्थुदास गुप्ता के लिए चौथा सवाल हमारा आपसे ये है कि वी वॉन्ट लाइक क्रेजी इससे आपका मतलब क्या था पुलवामा में जिन सैनिकों की जान गई उनके लिए उनके लिए आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं आप लगातार इस तरह के प्रोग्राम करते रहे हैं जहां पर आपने शहीदों को नमन किया है उनके लिए आपने हमेशा अपनी देशभक्ति जाहिर की है तो फिर आपने सिर्फ टीआरपी के लिए जो 40 जवान शहीद हुए हैं उन पर आप खुशियां मना रहे हैं ये कैसी असंवेदनशीलता है अर्णब जी हमारा पांचवा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी जो है आपके पैनल में लगातार आते रहे हैं और हम सबको पता है कि आपके पास तीन दिन पहले इस तरह की खबर आ चुकी थी कि बालाकोट जो है एयर स्ट्राइक होने वाली है लगातार आपके चैनल्स पर पूर्व सैन्य अधिकारी जो है पाकिस्तान के वो आते रहे हैं तो क्या आपने उनसे किसी तरह की कोई व्हाट्सएप पर या किसी भी तरह से आपने इस जानकारी या किसी और तरह की सेंसिटिव जो जानकारी है वो साझा की थी क्योंकि हम सभी लोग टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं और हमें पता है कि जब टीवी चैनल्स में आप काम करते हैं तो आपके जो पैनल्स में जो मेहमान आपके आते हैं उनसे कितने स्तर पर बात होती है आपके जो असाइनमेंट पे लोग होते हैं वो कई तरह से बात करते हैं आपकी जाहिर सी बातों उनसे पर्सनल लेवल पर भी बातचीत होती होगी जिसमें हमें कोई आ, आ, उसमें कोई सवाल नहीं है हमारा लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी तरह की सेंसिटिव जानकारी जो है कि आपने उनके साथ साझा की थी छठा सवाल हमारा आपसे यह है कि पार्थो आप जज को खरीदने की बात कर रहे थे और किस बिचौलिए के जरिए उस जज को खरीद खरीदा जाता अगर ये आगे चीज बढ़ती तो सातवां सवाल हमारा यह है कि क्या सरकार भी टीआरपी घोटाले में आपके साथ शामिल है क्योंकि लगातार आप पीएमओ का जिक्र कर रहे हैं और एक एएस है जिसका आप बार-बार लगातार जिक्र कर रहे हैं आप जाहिर सी बात है चैट में भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि सारे मिनिस्टर जो हैं वो सब हमारे साथ मौजूद हैं तो क्या केंद्रीय सरकार या किसी तरह कोई सरकार आपके साथ पूरे टीआरपी घोटाले में शामिल थी आठवां सवाल हमारा आपसे ये है कि पीएमओ और एनएसए की मीटिंग के बाद क्या आपको कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने की जानकारी थी और अगर थी तो वो जानकारी आपने किसके साथ साझा की है क्योंकि आपके चैट में ये बात आई है कि पीएमओ और एनओसो की मीटिंग है और उसके बाद कश्मीर से जो है धारा 370 हटाए जाने के कुछ इस तरह के संदेश हमें नजर आते हैं आपकी चैट से हमारा नवा सवाल आपसे यह है कि आपको किसने बालाकोट बालाकोट एयर स्ट्राइक की 3 दिन पहले जानकारी दी थी कौन है मिनिस्ट्री में ऐसा इंसान जिसने आपको ये पूरी जानकारी दी देखिए हमें जानकारी किसी के पास हो सकती है तीन दिन पहले या चार दिन पहले उससे हमें कोई अः कुरेज नहीं है या कोई शिकायत नहीं है लेकिन उस जानकारी का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है क्योंकि अगर आप आपके पास कोई जानकारी है और अगर आप किसी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के साथ या किसी बी ए आर सी के जो सीईओ के साथ अगर उसे पहले ही तीन दिन पहले साझा कर रहे हैं तो क्या ये देश की जो सुरक्षा है उस पर कहीं सवाल या निशान नहीं खड़े होते हैं कि आप किसके साथ पु... या कि इस तरह के इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जानकारी हमें चाहिए इस सवाल का जवाब हमें अर्णब से चाहिए कि आपको किसने बाला को टेर स्ट्राइक की जानकारी दी थी किस मिनिस्ट्री की तरफ से आपको ये जानकारी मिली थी या किस नेता ने आपको ये जानकारी दी थी दसवा सवाल हमारा आपसे यह है क्या आपने पार्थो की मदद से दूसरे चैनलों की बी ए आर सी रेटिंग कम कराई थी ग्यारहवा सवाल हम हमारा आपसे यह है क्या आपने वैम वेंपा, पाथी कमेटी के कामकाज को भी प्रभावित प्रभावित करने की कोशिश की थी आ, हम आपको बताना चाहेंगे कि शशि शेखर वामपाती जो कमेटी है वो ट्राई की तरफ से बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन से बनाई गई थी क्योंकि जिस तरह से टीआरपी घोटाला हम लोगों के सामने आया है उसके बाद से जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे घोटाले पे शिकंजा कसने की कोशिश की है और एक बहुत बड़ा रैकेट हमारे सामने निकलकर सामने आया है इसके बाद ट्राई ने ट्राई की रिकमेंडेशन पर जो प्रसार भारती के सीईओ है शशि शेखर वामपाथी उनकी कमेटी बनाई गई थी ताकि हम ताकि वो रेटिंग सिस्टम जो है हिंदुस्तान में उसको रिव्यू किया जाए उसको ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए तो क्या इस कमेटी के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी क्योंकि इसमें जो है पार्थो जी वो लगातार आपकी चैट में बात कह रहे हैं कि वो बार के खिलाफ काम कर रही है कमेटी उनका जीना थोड़ा अः मुश्किल हो जाएगा इस कमेटी के आने के बाद से और बार बार सवाल आखिरी सवाल हमारा आपसे यह है कि आपने पार्थो को पीएमओ में मीडिया सलाहकार बनाने की लॉबिंग की थी ये सवाल फ्रीडम एक्सप्रेस की तरफ से अर्णब गोस्वामी के लिए हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो पूरे इस मुद्दे पर बने हुए हैं नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह की ट्वीट और इस तरह की जानकारियां अपने जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं आदेश रावल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं ये आपका बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी आदेश जी मेरा सबसे पहले सवाल आदेश जी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप पूरे इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अर्णव गोस्वामी एक प्राइवेट सिटीजन थीज़, है एक नागरिक है संपादक है मालिक है उसे कहीं बड़ा सवाल ये है कि ज, इन चैट्स में जिस तरीके से पीएमओ का बार बार जिक्र हो रहा है केंद्रीय मंत्रियों का नाम उसमें आ रहा है उसमें कानून मंत्री हैं उसमें गृह मंत्री हैं उसमें स्मृति ईरानी है राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं इनकी तरफ से एक बार भी अभी तक ये नहीं कहा गया है कि नहीं ये चैट जो है वो झूठी है देखिए क्या 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 एक चैनल की टीआरपी को लेकर देश का जो पीएमओ है जिसे जनता ने चुना है वो उसके लिए उसकी इंपोर्टेंस की चैनल की टीआरपी एक व्यक्ति विशेष हो सक हो सकता है या फिर ये कहा जाए कि उसके लिए देश पहले महत्वपूर्ण है तो मेरे हिसाब से अर्णब गोस्वामी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो एक चैनल चलाते हैं जो एक, एक एडिटर हैं, नेशनल हाँ, सिक्योरिटी की बात है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन सबसे पहली जो जवाब दे है वो पीएमओ की बनती है उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया स्पष्टीकरण नहीं दिया कि नहीं ये हाँ, ये जो चैट्स हैं हैं झूठी या सच्ची हैं कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया गया इस बात को छह दिन हो गए हैं देखिए पिछले थर्सडे को रात को आठ बज के उनतीस मिनट में मैंने ट्वीट किया था कि ये चैट्स बाहर आने वाली हैं और फ्राइडे को सुबह ये चैट्स पूरे देश के सामने थी और जिसमें जिसके बाद अभी भी इसमें हर रोज डेवलपमेंट हो रही है जैसे आज आज एक खेप सामने आई जिसमें आ, ये बताया गया कि टीवी एटीन जो चैनल है मुकेश अंबानी का उसकी टीआरपी गिराने के लिए यानी उसको नंबर सात में लाने के लिए इन्होंने पार्थो से बात की और फाइनली वही हुआ कि टीवी एटीन नंबर सात पे आ गया तो जिस तरीके से रोज ये खुलासे होते जा रहे हैं अब ये कहाँ तक जाएगा इसका अंदाजा नहीं है लेकिन बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र जहां नेशनल सिक्योरिटी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए कि हाँ भैया हमारा इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है और पीएमओ का जो जवाब दे वो देश की जनता के साथ है अर्णब गोस्वामी के साथ नहीं है और हर आप देखिए चैट्स में खास बात क्या है कि अर्णब गोस्वामी हर बात पे ये कहते हैं कि हाँ स्पीक टू पी एम हाँ मेरी बात एस से हो गई है हालांकि वो कुछ मंत्रियों को यूजलेस भी कह देते हैं वो अलग बात है ठीक है जो उनके काम के नहीं है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएमओ की जवाबदेही दे पड़ती है या गोस्वामी के प्रति जी आ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आ, जैसा आप बोल रहे हैं कि पीएमओ की जो है आ, वो अकाउंटेबिलिटी देश को लेकर है ना कि एक एक इंडिविजुअल शख्स को लेकर है अर्णब गोस्वामी को, को लेकर जिस तरह की चैट हमारे सामने आई है अभी तक क्या अ, उससे क्या लीगल एक्शंस उसके खिलाफ हो सकते हैं अर्णब गोस्वामी के खिलाफ हो सकते हैं देखिए ये ये कोई पहली बार नहीं हुआ आपको याद होगा यूपीए के समय में राडिया टेप्स का खुलासा हुआ था उस वक्त भी क्या हुआ था अः जिस पत्रकार का नाम आया था उसको अपने ही शो में बैठ कर सफाई देनी पड़ी थी हालांकि अर्णव गोस्वामी ने अब तो को सफाई नहीं दी है बशर्ते कि जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया उसके बाद उन्होंने उन्होंने आके टीवी पे एक भाषण दिया लेकिन इसके अलावा कोई सफाई नहीं दी है तो जब राडिया टिप्स में हुआ था तो जिन पत्रकारों को नाम आए थे या तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी इस्तीफा दे दिया था या कुछ ने अपने स्टूडियो में बैठ के अपने शो में उसका जवाब दिया था तो इस इस इंसिडेंट में कानूनी कार्रवाई करना सरकार के हाथ में है अगर वो चाहे तो इस

मतलब एक महिला के प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए किसी भी पत्रकार की किसी भी व्यक्ति की बेसिकली वो एंटी वीमेन रिमार्क मानता हूं मैं उसको किसी है ब्लेसिंग फॉर द दू इसके अलावा जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको कहते हैं कि यूजलेस हैं। इसके अलावा जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर उसको लेके वो वो कहते हैं कि आ, उन्होंने मेरी साइड में रख दिया, चिंता मत करिए हमारे साथ हैं यानी सब मंत्री हमारे साथ हैं तो जि, जिस आदमी का इतना इंटरफेरेंस किसी सरकार में हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी हालांकि आज एक एक और नई बात सामने आई आज कुछ आरोप लगाए कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाय द जज या आप जज को खरीद लीजिए तो ये ये जो ये जो बातें हैं और उसमें आर एस पी इन्वॉल्व है यानी रविशंकर प्रसाद जो कि देश के कानून मंत्री हैं तो ये जो बातें हैं ना इनका जवाब सरकार को देना होगा लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं कि कार्रवाई की जिसका इतना इंटरफेरेंस सरकार में हो मुझे लगता है कि मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल तो रणों को है सरकार में जो पीएमओ भी चला रहे हैं जो रजा शर्मा की एंट्री भी बैन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जेटली जी को जेटली जी तो डेड उस पे बेड पे पड़े हुए मरने वाले हैं उनको उनको जीवित रखने का प्रयास क्यों कर रही है सरकार क्योंकि मोदी जी को फ्रांस जाना है तो जिनका इतना इंटरफेरेंस सरकार में हो मुझे नहीं लगता है कि उनसे आप उम्मीद कर सकती है कि ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी लेकिन हाँ सोशल मीडिया के जरिए बातें बाहर आ रही है और एक परसेप्शन होता है परसेप्शन की लड़ाई होती है और उस परसेप्शन में रण गोस्वामी हर रोज हार रहे हैं जी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई सेशन कोर्ट ने जो है वो बार के पूर्व सीईओ जो है पार्थो उनकी जमानत जो है नामंजूर कर दी है पार्थो टीआरपी स्कैम मामले के आरोपी रहे हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि पीएमओ की जो है दखलंदाजी रही है उस चैट से पूरी इस तरह से जाहिर बात होती है हुँ. तो क्या मतलब किस तरह का आपको क्या लगता है कि टीआरपी स्कैम को लेकर क्या

और उनको ये कहा है कि आप अपने आके अपनी बात दर्ज कीजिए जबकि की ये पूरा मामला जो है अर्नब गोस्वामी वर्सेस रेस्ट ऑफ द मीडिया हो गया है अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी से आप पूछताछ करें अब देखिए पिछले दस दिन से बारह दिन से वो मुंबई में नहीं है क्योंकि उनतीस जनवरी तक उनको ये कह दिया गया है कि आपको आपकी गिरफ्तारी हम इस मैटर में नहीं करेंगे लेकिन दो मैटर और हैं एक सुसाइड वाला मैटर है और दूसरा पुलिस को अपना काम नहीं करने देने वाला मैटर है तो उनको डर है इस बात का कि मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार ना कर ले ठीक है पिछली बार भले ही सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली और उसमें कहा गया किस मैटर ऑफ लिबर्टी वो सब बिल्कुल अपनी जगह ठीक है लेकिन इस बार अर्णब गोस्वामी यूपी पुलिस की सिक्योरिटी लेके गुड़गावा और यानी हरियाणा और यूपी में घूम रहे हैं या रह रहे हैं छुपके रह रहे हैं क्योंकि उन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और यू, यू, यूपी में योगी जी की सरकार है तो यूपी पुलिस की दो गाड़ियां उनके साथ चलती हैं तो ये अपने आप में एक संकेत है कि कितना प्रोटेक्शन उनके पास है सरकार की तरफ से तो कि वो मुंबई क्यों जाना नहीं चाहते क्यों अपने स्टूडियो में बैठ के शो नहीं कर रहे आपको याद होगा आप ध्यान से देखिएगा कि जब पाकिस्तान ने वो स्टेटमेंट दिया तो अर्णा गोस्वामी स्टेटमेंट लेके आए और उन्होंने वो टीवी पे बोला अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगी तो वो कहीं किसी लगता है कि किसी खेत में खड़े हैं यानी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अपने स्टूडियो भी नहीं आ रहे हैं तो दो राज्यों की पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है एक एक राज्य की पुलिस की सिक्योरिटी उनके पास है मुंबई वो जा नहीं रहे तो जो, जिस हिसाब से प्रोटेक्शन है तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस केस में मुझे तो मुझे अच्छा, तो लगता नहीं कोई कार्रवाई होने वाला अच्छा ठीक है मैं आपसे जानना चाहती हूँ की पीएमओ इस मामले में चुप क्यों है इतना आपको क्या लगता है कि क्या खामियाजा इस चुप होने की वजह से क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है मीडिया हाउसेस को भी और इस पूरे इस देश को भी क्योंकि एक जगह क्या कहते हैं अर्णब गोस्वामी चैट में बात करते हुए नजर आए हैं कि इकोनमी जो है वो पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है जेटली जी पूरी तरह से फेल रहे हैं इकोनॉमी को लेकर भले ही हम न्यूज में कुछ और दिखाते हो तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हो पीएमओ मतलब कोई भी मिनिस्ट्री चाहे वो पीएमओ हो या फिर आई एन हो तो वो चुप क्यों है इस मामले पर देखिए पहली बात तो अर्णव गोस्वामी ने ये माना कि ये जो सरकार है यानी जो मोदी सरकार है ये इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पा रही है लेकिन मैं इस बात को टीवी पर नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा उनसे एक गठजोड़ है गठबंधन है संबंध है आप आप इसको इसको कुछ इसको आप कुछ भी नाम दे लीजिए तो ये बात तो उन्होंने माना कि सरकार इकोनॉमी नहीं संभाल पा रही है और और तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करना चाहिए जेटली जी उस वक्त बीमार थे और जैसे ही सरकार दूसरी बार शपथ ले तो इनको इकोनॉमी के लिए कुछ करना चाहिए ये पार्थो के चैट से बताया गया है कि जो मुंबई पुलिस ने बताया ठीक है तो अब सीधा सवाल दूसरा सवाल ये है कि जो एक वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा उनको लेके उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री बैन में हो गई है इसके अलावा नृपेंद्रिश्रा को लेकर अलावा प्रकाश जावड़ेकर को यूजलेस कहा तो जितनी भी ये कमेंट्स हैं इनके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से एक भी हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव जैसी वेब सीरीज का संज्ञान ले लिया लेकिन उनके मंत्री के प्रति यूजलेस शब्द इस्तेमाल हुआ उन्होंने एक बार भी उसका संज्ञान नहीं लिया और ये नहीं कहा कि भैया ये गलत है ये सही है या इसका हम निंदा करते हैं खंडन करते हैं जो भी भाषा इस्तेमाल करना चाहे या करते हैं जो जावड़ेकर जी हमेशा करते रहते हैं तो एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये चैट सही है या गलत है और देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो लोग जिनको देश की जनता ने चुन के भेजा है जो सरकार में बैठे हुए हैं जो देश के मंत्री हैं जो पीएमओ के अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति है कि वो बताएं कि ये क्या ये चैट सही है क्या ये गलत है या या अर्णव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो गलत है या पार्थो जो कह तो तो स्पष्टीकरण दे लेकिन आप देखिए जब भी कोई इशू ऐसा होता है चाहे वो दिल्ली में दंगा हुआ हो या वो शहीन बाग का मैटर हो कोई भी ऐसा इशू जहां कंट्रोवर्सी होगी उसमें पीएम कभी भी नहीं बोलते अब देखिए अभी तक किसानों वाले इशू पे भी लगभग पैंसठ से सत्तर किसानों की मौत हो चुकी है अभी तक एक ट्वीट उन्होंने का नहीं किया कि, मैं मुझे दुख है इस बात का कि या उन्होंने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये कंट्रोवर्सीज वाले इशू से दूर रहते हैं उसमें पढ़ना नहीं चाहते लेकिन चुप्पी ज्यादा रखना भी अपने आप में एक मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा जेल सवेर इनको बात करनी पड़ेगी क्योंकि दो और केस ऐसे हैं जिनमें अर्ण गोस्वामी बिल्कुल फंसे हुए हैं और, और अगर इन्होंने पुलिस से कॉपरेट नहीं किया तो इनके खिलाफ पुलिस जिस दिन नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर देगी ना तो फिर इनके पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर इन इनको जेल जाना तय है और ऐसी स्थिति में जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार बेल दी थी मैं कोई जान मैं कोई जानकार नहीं हूं कानून का लेकिन इस बार पुलिस ये कहेगी कि ये हमसे कॉपरेट नहीं करते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस इनसे बात करना चाहती है पूछताछ करना चाहती है और ये अपने दफ्तर नहीं जाते मुंबई तो जाते ही नहीं है दिल्ली वाले दिल्ली वाले ऑफिस भी नहीं जाते तो इस, इस स्थिति में ये अपना केस खुद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं तो ऐसे में सरकार को साफ करना चाहिए इन चैट्स के बारे में सबसे पहले और खुद अर्णब गोस्वामी को बताना चाहिए कि इन चैट्स के पीछे उनकी क्या मंशा थी देखिए एक बात और खास है अर्णब गोस्वामी ने अच्छे से सरकार में बैठे मंत्रियों का इस्तेमाल किया लेकिन उनकी सोच क्या है उनके प्रति वो बड़ी अलग है जावड़ेकर यूजलेस है स्मृति रानी एक महिला है वो कहते हैं कि मेरी मित्र है वो उनकी मदद भी कर रही है स्मृति रानी ने उनकी हेल्प भी की है अर्णब गोस्वामी की लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि है टॉप यानी आप आपके एक महिला के प्रति महिला मंत्री के प्रति आप देखिए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और राज्यसभा सांसद हैं कहाँ वो आ, टीवी में काम करती थी और कहा वो देश की मंत्री है तो उनका, ए, उनका एक उनका अपना एक संघर्ष है उनका अपना एक त्याग है जो वो यहाँ तक पहुंची है तो उसको एक तरफ से नकार देना कि शी है टॉप कि उनको ऊपर से आशीर्वाद है इसलिए वो मंत्री हैं या इसलिए वो बैठी हुई हैं ये 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 एक एक रिमार्क मानता मैं इसको अपमानित अपमानित करने वाला शब्द है देखिए वो सबका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सबके सबको लेके क्या सोचते हैं वो भी सोच लीजिए इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं कि सरकार को इकोनॉमी चलानी नहीं आती इस, इस ये बिल्कुल इसका बंटा धार हो गया है लेकिन अब देखिए उसके बावजूद भी आ, हर बात हर बार वो मदद मांगते हैं पीएमओ से हर बात वो एएस को बोलते हैं कि मैंने एएस को बोल दी आपका काम हो जाएगा पीएमओ मैंने कह दिया है नृपेंद्र रजत शर्मा की एंट्री बैन हो गई है तो बेसिकली क्या है यूज एंड थ्रो पॉलिसी है और तो कुछ लगता नहीं है जिस जिस हिसाब से उनकी भाषा में चैट्स में दिख रहा है वो वो सबका इस्तेमाल करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं कैसे एक रिपोर्टर एक एंकर आज इतनी बड़े नेटवर्क का मालिक बन गया मतलब कई सौ करोड़ का मालिक हो गया तो ये कोई ऐसे नहीं हुआ कोई और देखिए इसमें खास बात और भी है जब जब, जब तक ये चैट्स बाहर नहीं आई थी ना अर्नब गोस्वामी जब दिल्ली लैंड करते थे तो चार पांच कैबिनेट मंत्री के साथ उनका अपॉइंटमेंट होता था और कैबिनेट मंत्री अपना शेड्यूल उनके हिसाब से सेट करते थे ये उनकी इंपॉर्टेंस थी अब बीजेपी को देखना होगा कि क्योंकि देखिए अर्नब गोस्वामी की चैट्स में सरकार की छवि भी खराब हो रही है अब क्योंकि क्योंकि मोदी जी जो है ना वो लाइबिलिटी नहीं रखते हैं उनको एसेट्स चाहिए अब वो किस तरीके से अर्णब गोस्वामी से पेशा छुड़वाते हैं क्योंकि एक जानकारी ऐसी भी आई थी कि जब ये चैट्स लीक हुए तो उन्होंने कई मंत्रियों को फोन किए तो उनके फोन नहीं उठाए फिर उन्होंने एक प्रवक्ता का फोन किया उन्होंने भी उनका फोन नहीं उठाया तो ये ये काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी वेट एंड वॉच है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करेगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती

लैंडिंग पेज की बात हो या देखने की बात हो या टीआरपी की बात हो टीआरपी के हिसाब से विज्ञापन तय होता है और उस हिसाब से आपको विज्ञापन के हिसाब कितना पैसा मिलेगा वो तय होता है तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है और, और, इन्होंने क्या बाहर के सीओ को इस तरीके से सेट किया कि आ, क्योंकि वो उनके साथ पहले भी काम कर चुके थे कई और चैनल्स में जब इन्होंने मीडिया में शुरुआत की तो पार्थो से इनकी पुरानी दोस्ती थी तो अब जो बाकी चैनल है अगर आप देखेंगे तो टीवी माफ कीजिएगा टीवी इंडिया टीवी ए बी पी न्यूज इन सब नुकसान इनको हुआ है because of Republic. तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो बाकी लोगों को वो कहते हैं जैसे आज तक वो कहते हैं कि अब तक या कल तक कुछ ऐसा बोलते हैं तो ये जो लड़ाई है ना ये लड़ाई रिपब्लिक वर्सिज रेस्ट ऑफ द मीडिया है जो, जो देश का ने, नेशनल मीडिया है लेकिन अब सरकार को यह तय करना है कि उनको अर्णब गोस्वामी के साथ रहना है या बाकी मीडिया के साथ रहना है क्योंकि अब ईडी ने कुछ चैनल को और नोटिस भेजे हैं उनके सीएफओ को बुलाया है और उनसे वो पूछताछ करने जा रहे हैं तो ये ये एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब मुंबई पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और इस चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ईडी ईडी देश मतलब ईडी बेसिकली केंद्र सरकार की एजेंसी है तो उनका बाकी चैनल्स को नोटिस भेजना इस बात की तरफ इशारा है कि सरकार अभी भी अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ी है ठीक है मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अर्णब जो है अपने चैनल पर लगातार पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर जवाब देते हैं लेकिन हिंदुस्तान को लेकर जवाब क्यों नहीं देते हैं क्या वजह हो सकते हैं इसके पीछे देखिए उन्होंने जब से उन्होंने हिंदी चैनल लॉन्च किया रिपब्लिक हिंदी पूछता है भारत तब से उन्होंने अपनी छवि एक राष्ट्रवादी एंकर पत्रकार की बनाई है कि वो उनके लिए राष्ट्र पहले है चाहे राम मंदिर की बात हो चाहे 370 की बात हो चाहे बालाकोट की बात हो तो उन्होंने अपनी छवि को वैसे बनाने की कोशिश की लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगा तो उनको लगा कि ये मेरी छवि को हार्म करेगा तो उस हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया पहले स्टेटमेंट जारी किया फिर वो खुद भी टीवी के ऊपर आए उन्होंने भाषण दिया उन्होंने अपनी बात रखी मैंने उनका मैंने उनका भाषण नहीं सुना मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है लेकिन देश के लोगों को जवाबदेही पहले बनती है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको अर्ण गोस्वामी इंडिविजुअल व्यक्ति है। उस, उनसे ज्यादा जो है है वो सरकार से बनती केंद्रीय मंत्रियों से बनती है पीएमओ से बनती है कि आप लोग तो अपनी बात रखिए अर्ण गोस्वामी के बारे में बात करने से ज्यादा अच्छा है कि सरकार इस बात का जवाब दे कि इन चैट्स की सच्चाई क्या है क्या पीएमओ इसमें इन्वॉल्व था क्या बाय द जज में कानून मंत्री इन्वॉल्व थे ठीक है तो इन इन सब बातों के जवाब क्या क्या देखिए सबसे मेन बात किया कि क्या टीआरपी मैनिपुलेशन में देश का पीएमओ इन्वॉल्व था या वो मदद ले रहे थे ए, एस की जिनको, जिन, जिनको अमित शाह के नाम से कहा जा रहा है कि ए एस अमित शाह है तो इन सब के जवाब देने पड़ेंगे कि सरकार ये जवाब देगी कि, कि तक थी क्या ट्राई को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश चल रही थी क्या टीआरपी सिर्फ अर्णब के लिए आप इत, इतने सारे लोगों से की नाराजगी झेल सकते हैं पूरी रेस्ट ऑफ द मीडिया की तो सरकार की जो चुप्पी है अभी तक जब तक वो टूटती नहीं है कहना मुश्किल है कि वो उसके साथ अभी है या नहीं है लेकिन जहां तक मैंने पहले भी कहा अर्णव गोस्वामी अब सरकार के लिए एक तरह हो गए और एक उधर उधर जी के ये जिस जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे या सोनिया गांधी या मुंबई पुलिस कमिश्नर या शरद पवार या सलमान खान इन सब लोगों के लिए किया वो वो भाषा जर्नलिज्म की भाषा नहीं वो तो एक जैसे सड़क छाप गुंडे की भाषा है तू का, का उद्धव सोनिया सेना ऑन्टोनियो मोनियो मतलब क्या क्या बोलते थे मैं मुझे ज्यादा नहीं पता इसके बारे में लेकिन मैंने सिर्फ सुना है

सरकार अर्ण गोस्वामी के आगे खड़ी है अर्ण गोस्वामी पीछे हैं अब अब आगे चल के ये कितना पुलिस से करते हैं नहीं करते हैं अब इस डिपेंड करेगा और पुलिस कैसे आगे कार्रवाई करती है क्या चार्जशीट में और आता है क्योंकि देखिए पिछले पांच दिन से चैट्स का जो मामला है उसमें हर रोज डेवलपमेंट हो रही है हर रोज हर रोज नई चैट्स आती है तो फ्राइडे मॉर्निंग से लेके और आज वेनसडे मॉर्निंग तक हर रोज नई व्हाट्सएप चैट्स आ रही हो सकता है कल भी आए मुझे किसी ने बताया था कि कल भी कल भी एक नई खेप आने वाली है उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छा। आएंगे तो हो सकता है उसमें भी आपको दोबारा एक अलग से अलग से स्टोरी करनी पड़ेगी तो अब देखिए सरकार क्या कार्रवाई करती है अब ये तो समय बताएगा हिना मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा क्योंकि और कौन कौन से अहम सवाल हैं जो इस चैट में जो है नजरअंदाज हो गए हैं देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी किसने दी देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चार जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो होते हैं जिसमें डिफेंस फॉरेन, होम और फाइनेंस ये चार जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो एनएसए और प्राइम मिनिस्टर के बैठ के फैसला करते हैं कि हमें ये महत्वपूर्ण काम करने हैं या नहीं करने हैं तो इन इन चार पांच लोगों में से किसने ये बताया गोस्वामी को कि भैया ये हम लोग तीन दिन के बाद ये करने जा रहे हैं और उसने कहा कि वी वॉन क्रेजी क्रेज़ी यानी पुलवामा में हमारे चालीस जवान शहीद हुए थे क्या उनकी शहादत पे आप चुनाव जीतना चाहते थे ये सबसे कल फिर ने प्रेस की थी और इसमें ये जांच होनी चाहिए जानकारी दी किसने और जानकारी दी किसको जिसको मिली उन दोनों की जांच हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि अगर तीन दिन पहले अर्ण गोस्वामी को मालूम था बालाकोट स्ट्राइक होंगी तो क्या पाकिस्तान में ये खबर नहीं होगी क्या उन्होंने अपने जो टेररिस्ट कैंप थे वहां पे जहां पे को वहां से हटाने दिया इसमें इसमें नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ ठीक है लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है तो जो जिसकी जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास तीन दिन पहले है बालाकोट स्ट्राइक की क्या वो जानकारी कि बहुत सारे स्पाइज होते हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं बहुत सारे अलग से लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या ये पाकिस्तान के बाद नहीं पहुंच गई होगी तो इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए कि जानकारी किसने दी 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 किसको दी, कब दी। क्योंकि जब सारी व्हाट्सएप चैट निकल सकती हैं तो इस बात की जांच भी पुलिस कर सकती है पुलिस कर सकती है या कोई और एजेंसी कर सकती है जो भी इसमें सक्षम हो लेकिन जो रवैया अभी तक दिख रहा है सरकार का उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार आगे है और गोस्वामी पीछे खड़े हैं सरकार उनका कबज बन के खड़ी हुई है जी शुक्रिया बहुत बहुत आदेशी अपना कीमती वक्त देने के लिए हम